जिन्होंने राम के धक्के के पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। जो शक्ति मिलने गई वो भगवान ने अहंकार का कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर थे नंबर एक के बने नंबर दो पर खड़े। पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया पर सबसे बड़ी बना। अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही कर्तव्य है कि तुम सफल। राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की धरती की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक के बने नंबर दो पर खड़े कर। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो मेरे अहंकार करे और जो राम का विरोध करे उसका आकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ा। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुलम किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय मैं और कहूंगा, राम पर सीता का प्रत्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे। जिस समय कोई कर्जदार ना रहे, कोई रोगग्रस्त ना रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे, जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100-100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।